गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा नाम रूप सिंह मीणा है और मैं राजस्थान गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा में कंप्यूटर साइंस लेक्चर के पद पर कार्यरत हूँ। जो आज का मेरा टॉपिक है वो है VTR के सब्जेक्ट कोड 303 की यूनिक्स प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे। यूनिक्स के अंदर प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, तो यूनिक्स की जो प्रोग्रामिंग की जाती है सेल स्क्रिप्टिंग के अंदर सेल यूनिक्स प्रोग्रामिंग की जाती है। शेल क्या होती है, हम पहले से जानते हैं कि शेल यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में लिंकिंग वाला कार्य करती है, यानी कि जो रिसोर्स को यूज़ करना है, हार्डवेयर को रिसोर्स को यूज़ करना है वो शेल के कमांड टाइप करके कर्नल के द्वारा किया जाता है। तो शेल का प्रोग्राम होता है जो यूज़र और यूनिक्स के मध्य कार्य करता है। बात होती है सेल स्क्रिप्ट। यूनिक्स में बहुत सारी कमांडों को एक साथ स्टोर करके एक सिंगल फाइल बनाई जाती है। उस फाइल को यूज़र के द्वारा एक्सिक्यूट किया जाता है। यूज़र के द्वारा प्रोग्राम है इंटरप्रेटिव मोड में रन होता है। तो ये बहुत सारी कमांड्स जो रेगुलरली काम आती रहती है, बार बार लिखो हो जाए, एक बार लिख के उनको बार बार शेड्यूल कर सकते हो रन कराने के लिए। तो शेल के अंदर जो प्रोग्रामिंग लिखी जाती है, जो कमांड्स लिखी जाती है वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, लाइन बाय लाइन एक्सिक्यूट होती है। जबकि दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसमें पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल किया जाता है, यानी कंपाइलर काम आता है इसमें और इसमें इंटरप्रेटर काम आता है। मेमोरी में जब प्रोग्राम लोड होता है तो वो लाइन बाई लाइन होते हैं, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम कंपाइल होते हैं। देख चुके हैं अपन, इसमें कोई अलग बात नहीं है। इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज वाले प्रोग्राम स्क्रिप्ट में फास्ट रन होता है, यानी शेल प्रोग्राम से उनकी स्पीड कंपेरेटिवली स्लो होती है। शेल स्क्रिप्ट में प्रोग्राम लिखे होते हैं तो एक्सटेंशन .sh होता है। तो अब आते हैं पहले शेल प्रोग्राम। तो स्क्रिप्ट .sh फाइल का एक्सटेंशन होता है, फाइल का .sh होता है। और जो पहली लाइन लिखी जाती है वो हमेशा हैश एक्सक्लेमेटरी साइन स्लैश बिन स्लैश .sh। तो इसमें शेल का पार्ट होता है जो प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करता है रन करवाते समय। जब रन करवाओगे तो ये शेल एड्रेस होना चाहिए, मतलब फर्स्ट लाइन शेल स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम की हमेशा ये रहे जिसमें उसका शेल का एड्रेस रहेगा। इसके बाद नीचे इको इनबिल्ट फंक्शन है जिसका काम होता है प्रिंट करने का काम होता है। इसके अंदर आप डबल कोट्स में जो लिखोगे उसको ये प्रिंट कर देगा, वेलकम टू फर्स्ट प्रोग्राम इको टुडे डेट। अब इसके अंदर कमांड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ चुका पहले से, अगर बैक कोट के अंदर कोई कमांड लिखी जाएगी तो उसको एक्सिक्यूट कर देगा यहाँ। अब जैसे ही वहाँ पर ये तो अपन इनबिल्ट वेरिएबल है तो इसका वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। जब इस प्रोग्राम को इस तरीके से लिख के आप सेव करोगे और फाइल का नाम लिखोगे तो .sh एक्सटेंशन लगाकर लिखने के बाद इसको सेव कर दोगे आप। लिखने के बाद सेव हो गया तब उसको अपने को नेक्स्ट स्टेप होता है इसको एक्जीक्यूटेबल बनाना। एक्जीक्यूटेबल बनाता कैसे मैंने इसके अंदर चेंज मोड कमांड यूज़ करते हैं, चेंज मोड प्लस एक्स और फाइल का नाम इसको एक्जीक्यूटेबल बनाया जाता है। एक्जीक्यूटेबल बन गया, उसके बाद इसको रन करवाना। डायरेक्ट फाइल के नाम से कॉल करो आप इसको स्क्रिप्ट .sh फाइल का जो भी नाम है और ये रनिंग मोड में आ जाएगी। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट, किस तरीके से हम सेल प्रोग्राम सीख रहे हैं। नेक्स्ट है और भी इंटरेक्टिव मोड में कैसे काम कर सकते हैं। इसके अंदर एक रीड इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसके द्वारा यूजर रन टाइम पर कमांड से इनपुट ले सकता है। रीड इनपुट शेल के इंटरनल टूल है जिसके सहायता से स्क्रिप्ट को इंटरेक्टिव बनाया जाता है। रन टाइम पर स्क्रिप्ट में एक या एक से अधिक वेरिएबल्स को इनपुट ले सकता है, जैसे कि यहाँ पर एंट्री होने मिलता है रीड नेम और इको योर नेम इज डॉलर नेम। जो यहाँ पे आपने वेरिएबल लिखा उस कॉल करने के लिए डॉलर नेम अपने को लिखना पड़ेगा। इससे पहले जब हम चेक करता उसमें देख चुके हैं चीज़ को, शेल का इंट्रोडक्शन था उसको। अगर मैं यहाँ पर रीड नेम वन क्लास
दो वेरिएबल इनपुट देता हूँ, दो वेरिएबल को यहाँ पे स्पेस कर अपने स्पेसिफाई कर दोगे आप, रीड नेम और क्लास, और यहाँ पे आपको कॉल करना उसको, योर नेम इज डॉलर नेम और डॉलर क्लास। यानी जितने आप वेरिएबल रीड के साथ लिखोगे उतने वेरिएबल्स को आप वापस कॉल कर सकते हो और वैल्यू स्टोर करा सकते हो। तो ये इस तरीके से रनिंग टाइम पे इनपुट लेने के लिए काम आता है। नेक्स्ट है कमांड लाइन आर्गूमेंट। शेल स्क्रिप्ट के द्वारा कमांड लाइन में भी आर्गूमेंट एक्सेप्ट किए जाते हैं। आर्गूमेंट्स को स्पेशल शेल वेरिएबल में असाइन किया जाता है। इसके लिए नेम आर्गूमेंट्स होते हैं, डॉलर वन डॉलर टू डॉलर थ्री, ये पोजिशनल पैरामीटर्स होते हैं जो कमांड लाइन आर्गूमेंट को बताते हैं। डॉलर हैश दिखाता है कि टोटल नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स कितने पास हुए हैं। डॉलर जीरो फाइल का नाम दिखाता है, जो शेल प्रोग्राम का नाम वो दिखाता है। डॉलर स्टार कंप्लीट सेट ऑफ पोजिशनल पैरामीटर इन ए सिंगल स्ट्रिंग। डॉलर क्वेश्चन मार्क साइन इसका मतलब है एग्जिट स्टेटस, जो पिछले वाली कमांड की सक्सेसफुली रन हुई है या नहीं हुई। अगर सक्सेसफुली रन है तो जीरो दिखाएगा यानी स्टेटस सक्सेसफुल हो चुका रन कमांड, और वो नॉन जीरो दिखा रहा है इसका मतलब कमांड में एरर था। डॉलर डॉलर प्रोसेस आई डी दिखा रहा है करंट शेयर की, और डॉलर एक्सक्रीमेटस है प्रोसेस आई डी ऑफ लास्ट बैकग्राउंड जॉब। एक्सिट का उपयोग प्रोग्राम का टर्मिनेट करने के लिए करते हैं। जीरो होता है तो सक्सेसफुल रिटर्न, वन होता है तो नॉन जीरो यानी कि एरर कंडीशंस। सो फिलहाल अपने इसमें इंट्रोडक्शन प्राइस प्राइस इस वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी और डिटेल्स जानेंगे। थैंक यू भाई।